हे एवरीवन, तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम फ्रेंच ओपन 2023 को सेपरेटली कवर करने वाले हैं, सारी चीज़ें इससे रिलेटेड देखेंगे। और चलिए, बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है सब कुछ, शुरू करेंगे। सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में देखें तो हमारे 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं मेजर, कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबल्डन ओपन और US ओपन। अब ये अलग अलग कोर्ट पर खेले जाते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो हार्ड कोर्ट पर होता है, US ओपन भी हार्ड कोर्ट पर होता है। इसके अलावा फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है और विंबल्डन ओपन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। अब क्योंकि हम फ्रेंच ओपन की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो आपका फोकस होना चाहिए फ्रेंच ओपन ग्रे कोर्ट। टाइम पीरियड की बात देखें तो पूरे साल में जो होते हैं ये, सबसे पहले होता है मिड जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन और सबसे लास्ट में होता है US ओपन अगस्त सितंबर में। फिर फ्रेंच ओपन अभी हमने देखा मई लेट मई और टू अर्ली जून के बीच में इसको कंडक्ट किया जाता है और विंबल्डन ओपन हमें जून जुलाई में देखने को मिलेगा। नाउ विंबल्डन ओपन जो है ये ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है, ये देखते हैं विंबल्डन ओपन ग्रास कोर्ट पर जून जुलाई में खेलते हैं, ये ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है। 1877 में इसकी शुरुआत हुई थी। फिर उसके बाद US ओपन शुरू हुआ 1881 में, उसके 10 साल बाद फ्रेंच ओपन शुरू हुआ 1891 में और ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे नया है 1905 में इसको शुरू किया गया था। नाउ क्वेश्चंस पर आते हैं, हु वन द फ्रेंच ओपन 2023 मेंस सिंगल्स टाइटल? तो ये वही क्वेश्चन है जो हमने करंट में देखा था। ये जो टाइटल है फ्रेंच ओपन 2023 का, नोवाक जोकोविच ने जीता है, किसको हराकर? कैस्पर रूड को हराकर। कंट्रीज भी याद कर लीजिए, नोवाक जोकोविच जो है सर्बिया से बिलोंग करते हैं, कैस्पर रूड ये नॉर्वे के प्लेयर हैं, ठीक है। कैस्पर रूड को हराकर नोवाक जोकोविच जीते। अब फ्रेंच ओपन इन्होंने जीता है तो इनका कौन सा फ्रेंच ओपन टाइटल है? थर्ड है, ठीक है। तो मतलब तीसरा फ्रेंच ओपन टाइटल है, 3 बार ये फ्रेंच ओपन जीत चुके हैं। ग्रैंड स्लैम टाइटल की बात करें तो कितने इनके पास टोटल हो गए हैं? वो हो गए हैं 23, ठीक है। तो ये जो फ्रेंच ओपन 2023 में जीता है ये इनका 23rd ग्रैंड स्लैम टाइटल है। और इसके साथ ही आपको याद रखना है कि जो हमारे चारों, हमने पीछे देखे थे ना, 4 मेजर ग्रैंड स्लैम होते हैं, उन चारों में ये एटलीस्ट 3 टाइटल्स जीत चुके हैं। फ्रेंच ओपन थर्ड था ये, बाकी सब में भी एटलीस्ट 3 टाइटल ये जीत चुके हैं, ठीक है। फिर हम देखें सबसे ज़्यादा किसने जीते हैं। अभी तक क्या था, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच दोनों के बिल्कुल बराबर थे, लेकिन अब नोवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन जीत चुके हैं। इसी के साथ नोवाक जोकोविच सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन द फ्रेंच ओपन 2023 विमेंस सिंगल्स टाइटल? तो ये जो टाइटल है इगा स्वाइतेक ने जीता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। वर्ल्ड नंबर 1 इगा स्वाइतेक पोलैंड की प्लेयर हैं, इन्होंने कैरोलिना मुशोवा को हराकर ये फाइनल जीता है। ये जो हैं कैरोलिना चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं। अब इनका कौन सा फ्रेंच ओपन टाइटल है? ये थर्ड है और ग्रैंड स्लैम इनका 4th है इनके करियर का। पीछे जैसे हमने देखा नोवाक जोकोविच का 3rd फ्रेंच ओपन था और 23rd ग्रैंड स्लैम टाइटल था, तो इसी तरह से इनका भी फ्रेंच ओपन ये 3rd है लेकिन इनके करियर का ग्रैंड स्लैम टाइटल ये 4th है, ठीक है। नौ 2022 में देखिए कौन जीता था, तो राफेल नडाल चैंपियन रहे थे, स्पेन से बिलोंग करते हैं और इन्होंने भी कैस्पर रूड को हराकर, तो कैस्पर रूड जो है इस बार भी रनर अप हैं, पिछली बार भी यही रनर अप थे। विमेन सिंगल्स इगा स्वाइतेक ने ही लास्ट टाइम भी जीता था, इस बार भी इन्होंने जीता है, पिछली बार कोको जॉफ को हराकर इन्होंने ये टाइटल जीता था। हु वन द फ्रेंच ओपन 2023 विमेन्स डबल्स टाइटल? विमेन्स डबल्स का टाइटल इसमें जीता है सी ए सू वेई और वांग जिन्यू को। मैं प्रोनाउंस अगर नहीं कर पा रही हूँ तो माफ़ कीजिएगा उसके लिए। ये दोनों प्लेयर्स ने, ऑप्शन बी में जो आपको प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं फर्नांडिस और टाउनसैंड, इन दोनों को हराकर ये जो जीत हुई है इन प्लेयर्स की हुई है विमेंस डबल्स के टाइटल में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखें मिक्स डबल्स, पीछे विमेंस डबल्स था, यहाँ पर मिक्स डबल्स है। तो मिक्स डबल्स में जापान की मियो काटो और जर्मनी टिम पुड्स, ये दोनों प्लेयर्स ने जीता है मिक्स डबल्स का टाइटल। रनर अप इसमें थे बियांसा एंड्रिस्क्यू और माइकल वेनस। रनर अप इसके इम्पॉर्टेंट नहीं है, रनर अप आप सिंगल्स टाइटल के याद रखिएगा, यहाँ पर आप नाम याद रख लीजिए विनर्स के, चैंपियंस के। हु वन द फ्रेंच ओपन 2023 मेंस डबल्स टाइटल? मेंस डबल्स का टाइटल जीता है इवान डोडिग और ऑस्टिन क्राइजिसिक ने, और यहाँ पर भी आप ये जो ऑप्शंस देख रहे हैं इनको हरा कर जीता है, तो यहाँ पर रनर अप आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, सिर्फ विनर्स याद रखिएगा।
यहाँ पर हम देखें हुआ कब था, ये 28 मई से 11 जून के बीच में 127th एडिशन था, एडिशन याद रखिएगा। कैटेगरी 93rd ग्रैंड स्लैम था ये। फिर हम देखें प्राइज मनी, इसमें 496 लाख यूरो, ठीक है, ये इसमें प्राइज मनी। फिर क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, हमने पहले भी देखा है, फ्रांस में हुआ था, लोकेशन इसकी और वेन्यू रोलेंड गैरोस स्टेडियम में। यहाँ पर चैंपियंस नोवाक जोकोविच मेंस सिंगल्स में, इगा स्वाइतेक वुमेन्स सिंगल्स में, मेंस डबल्स में इवान और ऑस्टिन, वुमेन्स डबल्स में सिया और वांग जियू, फिर उसके बाद मिक्स डबल्स में म्यू काटो और टिम पुड्स, व्हीलचेयर मेंस सिंगल्स में टोकिटो ओडा और व्हीलचेयर वुमेन्स सिंगल्स में डिएडे डे ग्रोट जो है इन्होंने जीता है। अब 2023 का ऑस्ट्रेलियन ओपन भी हो चुका है, क्योंकि हमने देखा था मिड जनवरी में, साल की शुरुआत में वो होता है, तो इसको भी एक बार रिवाइज कर लें। यहाँ पर 16 से 29 जनवरी में हुआ था, 111वां टाइट टूर्नामेंट था ये, एडिशन इसका 111वां था ग्रैंड स्लैम का, और हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, ये चीज़ें तो हमने देखी थी। तो चैंपियंस देखें तो मेन सिंगल्स इसमें भी नोवाक जोकोविच ने जीता था, वुमेन सिंगल्स एरिना सैबेलिंका ने, मेंस डबल्स रिंकी हिजिकाता और जैसोन कबलर ने, वुमेन्स डबल्स का खिताब बारबोरा क्रिस्कोवा और कैटरीना सिन्याकोवा ने, और मिक्स डबल्स जीता था लुइजा स्टेफेनी और राफेल मेटोस ने। नाउ अभी हम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 2022 के चैंपियंस रिवाइज करें, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन राफेल नडाल, और वुमेन सिंगल्स एशले बार्टी, विंबलडन ओपन में नोवाक जोकोविच ने जीता था और एलेना रिबेकिना ने, फ्रेंच ओपन राफेल नडाल ने जीता था और इगा स्वाइतेक ने, US ओपन कार्लोस अल्काराज और इगा स्वाइतेक ने जीता था। ठीक है, तो ये हमारे सारी चीज़ें रिवाइज हो गई हैं, और इसी के साथ फाइनली वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।